पीजीआना न्यूज की टीम सभी 29 लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रही है। इसी के चलते हमारी टीम दतिया पहुंची और वहां के शहर का जायजा लिया। मां बगलामुखी शक्तिपीठ पीताम्बरा धाम पर हमारे संवाददाता ललित शर्मा ने दतिया की समस्याओं को लेकर आम जनता से उनकी राय जानी। मैं पीताम्बरा पीठ दतिया में मौजूद हूँ और यहाँ मंदिर के सामने तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं आगामी चुनाव को लेकर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की क्या समस्या है। एक हम अचानक से इस चौराहे पर पहुँचे हैं और अचानक से बात करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं उनके क्या रिएक्शन है आगामी चुनाव को लेकर, वो किस तरीके से किस आधार पर वो वोट करेंगे। हमारे साथ बिल्कुल सामान्य आदमी है जो मंदिर के बाहर खड़े हैं। बाबा, ये क्या है? ये रमतुला कैसे बजता है, बजा के बताइए। ये जो रमतुला है ये कितने साल पुराना है आपके पास? ये कम से कम 60 साल को। 60 साल को? हाँ। तो ये आपके पास कहाँ से आया? लिया थे मेरठ से। अच्छा, ये बताइए कि अभी चुनाव चल रहे हैं, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है छोटे हैं? छोटे लाल। छोटे लाल जी। हाँ। छोटे लाल जी, ये बताइए कि इस बार मोदी जी और राहुल जी दोनों खड़े हैं चुनाव में, तो किसको वोट देना चाहोगे? हम मोदी को दे हैं। क्यों? जी को काम अच्छा लगे। मोदी जी का काम अच्छा लगा आपको? हाँ। एक और अम्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मा, ये बताइए कि चुनाव का माहौल चल रहा है, आप वोट देते हैं? काम समझ गए। वोट देते हो? वोट देते हैं। हाँ। अकेले हमारे काम बच्चे चले गए, हमारे काम एक नहीं बने, वो बिगड़ गए। हमको नहीं है घर मकान, हमारे आदमी चले गए, बच्चे चले गए। और तो मोदी जी तो बोल रहे हैं कि सबको हम मकान दे रहे हैं, आपने क्यों नहीं लिया? नहीं दे ही नहीं रहे हमें, डरो है, 2 साल को डरो, लिखो डरो। कहाँ पर डरा है? यही डरो है, भाई साहब आए थे मंत्री जी। हाँ। बिना के पास डरो है वो, यही डरे हैं। हाँ, तो फिर मकान का क्या हुआ आपके? जो है कि हम मकान गिर पर हो तो इतनी जगह डरी थी तो हम बच गए थे। बहुत दिन होगा, 50-60 वर्ष देखो सुनियो मई बात। और हमारे नहीं है को लड़का बच्चे, हम गैर बसी, हमारी अनाथ बिटिया मर गई, मोड़ी की मर गई। हमारी पेंशन मिलती कि नहीं आपको? पेंशन कभी मिलती है 100 कमाऊँ 150 कमाऊँ इतेक। हम देखो इतेक ठाड़े हमने मिलता ही नहीं, और अब मिल गई नन्या, बिल्कुल ये मातन पे ठाड़े हाथ पसार रहे। तो सरकार तो बात बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम वृद्धा अवस्था पेंशन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं लोगों को, कुछ नहीं दे रहे। हमारे ताई को नहीं था बिल्कुल बनवा नहीं रहा, वो नहीं बनवा रहा बिल्कुल मेम्बर। अच्छा, तो अभी ये बताइए कि किसको वोट करोगे आप? जो को हमारा काम करेगा उसी को करेंगे। अभी अभी अब तो वोट आ गया है, तारीख आ गई है, तो कुछ तो दिमाग में आपने सोचा होगा कि मैं इसको वोट करूंगी। वोट तो जी को डालो है तो वो पहले उसको वोट डाले। मोदी को डालो? मोदी जी को डालोगे? जी को डर जाए, अब आंखें से देखो भाई साहब, हमें दिखाते नहीं है। काम तो किसका अच्छा लग रहा है आपको? अब अच्छा तो सबको लग रहा और नहीं लग रहा, अकेले जी को अवसर न दे जी को दे, जी से नफा मिले ती को वोट दे। क्या नफा चाहते हो? हैं क्या नफा चाहते हो? गरीब है साहब, गरीबन को गुंदले तो गरीब गरीब के लिए, गरीब के लिए कौन सी सरकार काम कर रही है आपको क्या लगता है? उनको तो बने बनाए मकान दे दे, हैं बनवा बनवा के दे दे, हैं और जो परेशान है बिना कछु नहीं। तो ये देख सकते हैं आपकी बहुत सामान्य सी महिलाएं और यहाँ पर ये पुरुष थे जो कि यहाँ माता जी के द्वार पर खड़े हुए हैं, और उनने बहुत सामान्य रिएक्शन दिया है कि हमारे को मकान नहीं मिला है, हमें पेंशन नहीं मिली, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली। ये तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं इनकी व्यथा हमने आपके सामने रखी। हमारे साथ कुछ आम आदमी यहाँ पर मौजूद है, आइए सीधे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा बलदेव राज बल्ली जी। बलदेव जी, ये बताएं कि स्थानीय समस्याएं दतिया की बात करें तो मुझे तो कोई विकास कार्य यहाँ दिख नहीं रहा है, तमाम सड़कें खराब दिख रही हैं मुझे, ड्रेनेज लाइन का कुछ आता पता नहीं दिख रहा, हमने जिस तरीके से देखा, तो क्या कहना है आपका? आप यहाँ पहली बार आए कि उससे पहले भी? पहली बार आए हैं। ये 8 साल पहले ये चौड़ी बोड़ी ये रोडे दिख रही नहीं आपको? कुछ नहीं था, ये गुम्बद जो बने हैं जी, ये 8 साल में ही बने हैं जी। ये जो आपको दिख रहे हैं ये 8 साल पहले जो ओवर आप स्टेशन से आए, अब ओवर ब्रिज मिला आपको? जी बिल्कुल मिला। वो मिला तो ये क्या है? ये भी तो विकास है, आप विकास किसको कहते हैं आप? नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि जिसे अन्य, जो हम पूरे 29 लोकसभा पे घूम रहे हैं, जिस तरीके विकास अन्य क्षेत्रों में हमें दिखे कंपेरेटिवली बात करें तो हमको
दतिया में थोड़ा कम दिख रहा है। नहीं, विकास कम कैसे दिख रहा है, किस मामले में दिख रहा है उसमें मैं आपको हमने बस स्टैंड का विजिट किया, वहाँ पर इतनी गंदगी है। बस स्टैंड में जे भी आप देख लो, बस स्टैंड में पूरा सीसी अभी इन्हीं 8 सालों में बना, नहीं तो पहले उबड़ खाबड़ था, अभी पूरी सीसी अभी बनी पड़ी है उसकी। कि मेरे को उसकी ये तो पता नहीं है कि 3 करोड़ की बनेगी या 4 करोड़ की बनी, अभी बनी है। रेलवे स्टेशन देखो आप पहले से बेहतर है। तो आपका ये कहना है, आपका ये कहना है कि शिवराज सरकार जब थी तब विकास कार्य हुए हैं, उसके पहले कांग्रेस की सरकार में नहीं हुए थे। 8 साल में कहीं ज़्यादा बढ़ के हुए, जैसे मेडिकल कॉलेज, आपने ओवरब्रिज देखा होगा, ये वाली जो आप जो गुम्मत पीतामरा पीट के जो सामने अपन खड़े हैं, ये डबल रोड बनी, ठीक है। आप ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें जो है विकास नहीं हुआ हो। आप हमसे विभाग पूछो, मैं उसमें बताऊं उसमें कितना 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 विकास हुआ। और युवा हमारे साथ हैं बेटा, ये बताइए कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर क्या आप समझते हैं, क्या क्या और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए शिक्षा को लेकर? सर ऐसा है कि कॉलेज में स्टाफ कम है, बहुत कम, स्टाफ को भी बढ़ाना चाहिए, प्यून से लेकर शिक्षक से सब कोई कम है। और जो समय उनका 12 बजे का रहता है आने का, 3 बजे आते हैं, अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं, कोई क्लासें भी नहीं लगती हैं किसी को लेकर शिक्षा में, बस थोड़ा सा टीचर को लेकर। आपको हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ रहा है क्या दतिया छोड़ के? नहीं सर, हायर एजुकेशन का तो ऐसा है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ बन चुका है, तो मेडिकल बाहर के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, रावतपुरा भी कॉलेज है, बाहर के लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। अपना पीजी कॉलेज भी काफ़ी विकास की तरफ है, जो पहले कम क्लासें थी, शिक्षा कम थी, उसको लेकर पीजी कॉलेज भी काफ़ी बढ़ा गया सर। जी सर, क्या नाम है आपका? वैभव खरी। वैभव, ये बताएं कि स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति है और क्या लगता है आपको, क्या इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए स्वास्थ्य को लेकर? सर स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर मंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, सब करा दिया, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं। आए दिन मरीजों को ग्वालियर और झांसी रेफर किया जाता है, तो फिर मेडिकल कॉलेज का क्या मतलब? अच्छे डॉक्टर भी हैं तो वो भी आप मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद इलाज नहीं है दतिया में। हाँ, ज़्यादा क्रिटिकल अगर केस आ जाता है तो उसे झांसी या ग्वालियर रेफर किया जाता है सर। और डॉक्टर भी हैं, वो लोग भी अपना काम नहीं करते, घर पे प्राइवेट क्लिनिक खोल के अपना काम कर रहे हैं। हमें प्राइवेट क्लिनिक डॉक्टर्स ने खोल रखे हैं, यहाँ पर इलाज नहीं हो पा रहा है लोगों का, क्या कहना है आपका? वो इलाज के नाम पर मेडिकल कॉलेज वगैरह जो सब केवल एक कमाई का जरिया बना रखा है, नाम के लिए चल रहा है कि भाई मेडिकल कॉलेज खुला है। वहाँ पर देखिए तो वहाँ पर भी धांधड़बाजी हुई है, पूरे कितना ही बजट आया कर दिया ऐसा कि रात देखो आप पूरी दीवारें चटक चुकी हैं। और ये मंजूर तो श्रीमंत सिंधिया जी ने करवाया ही था कांग्रेस समय में, लेकिन उसका श्रेय मिश्रा जी ने अपने ऊपर ले लिया कि भाई हमने करवाया, चलो ठीक है आपने काम करवा लेकिन मंजूरी तो कांग्रेस के टाइम की है। और आज देखा जाए तो उसमें ऐसा काम कराया कि आप एक साल और रहने तो अपने आप खंडन मंजूरी कोई भी दे किसी की समय में बने, लेकिन आम आदमी के काम आना चाहिए। हमारे साथ एक और शख्स यहाँ मौजूद है, आपका नाम बताइए। आदिल खान। आदिल जी, ये बताएं कि हमने दतिया का कल हम पहुँचे दतिया, हमने घूमा है, यहाँ पर एक शिकायत मिली कि युवा जो है वो नशे की लत में ज़्यादा पड़े हुए हैं, नशे का कारोबार ज़्यादा हो रहा है, शराब पीना या अन्य चीज़ें, इसको रोकथाम के लिए सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है? 15 साल मध्य प्रदेश शासन में भाजपा रही, 5 साल मोदी सरकार रही, डबल इंजन की सरकार जिसको हम कह सकते हैं, उसके बावजूद दतिया में भी भाजपा के कद्दावर मध्य प्रदेश के मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा जी। चूँकि 15 साल शासन होने के बावजूद भी दतिया में नशे का व्यापार इतना खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा संरक्षण करने के बाद उन लोगों से खुलेआम किया जाता है। मैं आपको पूरी बात बताना चाहता हूं कि आप नशे की बात ले लें, आप भ्रष्टाचार में दतिया नंबर 1 में हैं, दतिया में मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा पैसा आया, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं इस बात को कि दतिया में सबसे ज़्यादा पैसा आया दतिया में। यहाँ पर भाजपा के लोग कहते हैं कि हमने ओवरब्रिज बनवाया, ओवरब्रिज पर अभी आप जाके देखिए, मैं चैलेंज करता हूँ भाजपा के नेताओं को, मेरे साथ चलें और कैमरा चले मेरे साथ और जाके देखें कि उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और उसे बने हुए 1 साल नहीं हुआ पूरा। और मैं बताता हूँ उनकी विकास की, हमारा तो मकसद ये है कि सरकार किसी की भी रहे लेकिन विकास होना चाहिए, लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। हमारे साथ एक मिठाई विक्रेता भी यहाँ मौजूद है, नमस्कार, आप क्या नाम है आपका? हमारा परशुराम योगी। परशुराम जी, ये बताएं आप इतने सालों से माता के दरबार में बैठे हैं, क्या बाहर से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं लेकिन उनके लिए सुविधाएं यहाँ मौजूद नहीं, क्या कहना है आपका? यहाँ पर सुविधाएं तो है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है, और आने वाले को परेशानी भी होती है, ठहरने की व्यवस्था है, खाने पीने कोई व्यवस्थाएँ नहीं है ढंग की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, और जी हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, आपका नाम बताइए।
मेरा नाम राकेश भैया सेन है। राकेश भैया, ये बताएं कि दतिया को लेकर बात की जा रही है, तमाम जो बड़े कद्दावर मंत्री यहाँ मध्य प्रदेश शासन में रहे हैं, अब कांग्रेस की सरकार भी, क्या आपको लगता है क्या और होना चाहिए दतिया के लिए? देखिए, क्या है कि मैं इस मंदिर से कम 30 साल से जुड़ा हूँ, 55 से आ रहा हूँ यहाँ। पहले सब व्यवस्थाएँ जो नहीं थी जो आज मुहैया हो गई हैं, लेकिन यहाँ जो मंत्री जी हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो ये यहाँ उन्होंने जितने भी लोग हैं और राजनीतिक लोग हों, किसी पार्टी को हों, भारतीय जनता पार्टी को हों, कांग्रेस को हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों, उनको डेड करके रखा था उन्होंने। एक वन मैन वन व्यक्ति, वो अगर चाहें अच्छा होना है तो अच्छा होया, वो चाहें बुरा होना बुरा होया। आपको बताएं, दतिया में सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड पैकेज में पैसा मिला दतिया को उत्थान के लिए। और आप ये देखें, यहाँ बगल में चीता सागर लगा हुआ है जी। हाँ, वो तालाब की बात की जा रही है, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। चीता सागर तालाब की बात की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी या और जो यहाँ भूमाफिया हैं, उन्होंने सारे लोगों ने इसको एक ATM बना के रखा है। इसमें कम से कम 10 करोड़ रुपए के काम हुए। इसमें आप चल के देख लें, अभी वहाँ कुछ विकास दिख रहा है आपको? तलैया बना दिया, ताल का तलैया बना दिया। दतिया का इतिहास रहा है कि सबसे बड़ा तालाब दतिया पूरे शहर में, पूरे शहर का सबसे बड़ा तालाब यही था, लेकिन इसको भूमाफियों ने सबको बेच के छोटा सा बना दिया। विकास के नाम पे फॉर्मेलिटियाँ हो रही हैं। अब आपको बता दें, दतिया पीताम्बरा नगरी है और यहाँ शक्तिपीठ है, यहाँ माँ पीताम्बरा 1000 वर्ष तक रहेंगी, ऐसा गुरुजियों का कहना है। इसके बावजूद दतिया को, आपको बता दें, आप यहाँ अभी आप आए हैं तो यहाँ तो आपको रोड भी दिख रहा है और तमाम अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। आप, हमारा निवेदन है कि आप शहर के अंदर चलें और शहर के अंदर आप जाके देखें दतिया को, नगर को, जो पवित्र भूमि है, इसको नरक बनाने की पूरी प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी द्वारा 15 साल से। और उसका जीगा जागता उदाहरण ये है कि दतिया में जो करोड़ों रुपए की जो रास्ताएं बनी हुई थी, रोडें बनी हुई थी, सड़क बनी हुई थी, उनको पूरी तरीके से खुरबुर्द कर दिया, खोद दिया। और सीवर लाइन के चक्कर में कि सीवर लाइन डर रही है, और सीवर लाइन की बात कह के, हमने जब सीवर लाइन की बात आई कि सीवर लाइन करी, तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतनी अच्छी नगरी हमारी बन जाएगी कि पूरा गटर का पानी, गंदा पानी, बरसात का पानी सब नीचे जाएगा। जब सीवर लाइन की बात आई तो 4 इंची का पाइप डाल दिया पूरे शहर में और सारी जगह खोद के रख दी। हमारे साथ और कुछ लोग भी, जी बिल्कुल हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर, ये बताइए कि लगातार हम इतने विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करते हुए आ रहे हैं, लेकिन दतिया में हमें कुछ बहुत खास विकास कार्य नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर बस स्टैंड की बात करें या बाकी आपके सीपा सागर की बात करें, सड़कों की बात करें, अन्य स्थानों से और ज़्यादा बदतर स्थिति है दतिया की। सर, यहाँ है क्या कि जो विकास हकीकत में होना चाहिए गुणवत्ता युक्त, वो विकास गुणवत्ता युक्त होता नहीं है। जो भी राशि आती है विकास कार्य के लिए, वो यहाँ के मंत्री और नेताओं ने पहले ही खा जाते हैं, और जिसको काम देते हैं वो क्या करें, वो बचे कुचे वो भी खा जाता है। आप बाईपास रोड देख लीजिए, झांसी बाईपास रोड अभी साल भर नहीं हुई और कम से कम 2-2 हाथ के गड्ढे हो गए, निकलने में बहुत परेशानी होती है। और यहाँ एक और ख़ास बात है, माननीय मंत्री महोदय ने, जो पूर्व मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा जी, यहाँ न्यायालय परिसर 1 किलोमीटर अभी यहाँ था, जिला सत्र न्यायालय एवं कलेक्टर न्यायालय और STM न्यायालय, बनने अपनी माने एक तानाशाही दिखाकर, मैं एडवोकेट हूँ, वीर सिंह दांगी एडवोकेट, यहाँ से कोर्ट परिसर से कचहरी बनने 12-15 किलोमीटर दूर कर दी है, और जनता को इतनी समस्या हो रही आने जाने के लिए, कोई साधन नहीं है। वहाँ से ऑटो वाला अगर ले जाता है, कोई क्लाइंट जाता है तो 100 रुपये लेता है, 200 रुपये उसके वापसी में लगती हैं। जनता, एडवोकेट, सभी लोग परेशान हैं। वहाँ एकांत में कर दी, वहाँ लूट भी हो जाती है अगर कोई व्यक्ति अकेले में लेट आता है। स्टाफ वहाँ का जो कलेक्ट्रेट या SDM न्यायालय का जो कर्मचारी हैं, वो भी अगर छुट्टी होने के बाद 1 घंटे या 1.5 घंटे में घर पहुँच पाती हैं। हम वकीलों ने भी समस्या रखी थी वहाँ पर, यहाँ इस न्यायालय परिसर को, कलेक्टर परिसर को एक ही जगह आप बना दीजिए, इसमें लोगों को और वकीलों को, सभी लोगों को सुविधा होगी। लेकिन इन्होंने अपनी एक जिद बांध के किसी की ना मानते हुए, और इन्होंने प्रत्यक्ष से बनाई है, जो बहुत गलत कार्य किया है। और हमें तो आशा नहीं थी कि माननीय मंत्री महोदय यहाँ से इस तरह का काम करें। जनता के लिए आप चुने गए हैं, जनता ने आपको चुना है, तो उनकी सुविधाओं को देखते हुए कार्य करना चाहिए। और विकास कार्य तो यहाँ भ्रष्टाचार की मुहिम हो गए, आपने देख लिया, सीता सागर हो या कोई भी हो,
सब भ्रष्टाचार तो, ये हम यहाँ खड़े थे जो पीताम्बरा बीट है और हम रेंडमली यहाँ आए, हमने कोई अरेंज नहीं किया। यहाँ तमाम जो लोग हमें स्थानीय लोग मिले उनसे उनसे हमने बात की और हमने रेंडमली पूछा कि दतिया को लेकर वो क्या सोचते हैं। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर रुष्ट नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन मनोज कुशवाहा के साथ ललित शर्मा, DJNA न्यूज़, दतिया।